please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और साक्षात्कार में आज हमारे साथ हैं एक बहुत विशिष्ट अतिथि, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत जी. रावत साहब, आपका स्वागत है भारत के नंबर वन बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज पर. धन्यवाद जोशी जी, नमस्कार. आपसे सवाल की शुरुआत करना चाहता हूं कि वोटरों को लुभाने के तौर तरीके बदल रहे हैं, उम्मीदवारों के मिजाज बदल रहे हैं, एक तरह से कहें तो इलेक्शनियरिंग का पूरा क्राफ्ट चेंज हो गया है. ऐसे में आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, देश में बड़ा चुनाव होने जा रहा है, आपको इस वक्त क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? सबसे बड़ी चुनौती इस समय चुनाव आयोग के सामने मीडिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड इन मीडिया स्पेसिफिकली सोशल मीडिया, दीज आर द सबसे मेजर चैलेंजेस हैं ये. अभी हाल में आपने राजेंद्र माथुर व्याख्यान दिया, वहाँ आपने कहा था कि जो बिग डेटा के जरिए वोटर्स की प्रोफाइलिंग हो रही है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, वो थोड़ा चिंताजनक लग रहा है. तो जाहिर है जब आपने इतना विचार किया, आप इसको सबसे बड़ा चैलेंज मान रहे हैं, तो आपने कुछ उसको उससे निपटने के तरीके भी निकाले होंगे. क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि नए ज़माने में कहते हैं पुलिसिंग चेंज हो जाती है, तो उसी तरह से आयोग भी अपने को बदल रहा होगा. वो क्या तरीके होंगे जो हमको देखने को मिलेंगे? हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान दिया है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं सारे ऑफिसर्स में जो इलेक्शन कमीशन के तहत आते हैं. बहुत ज़्यादा इसके बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग की है अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने ऑफिशियल्स की, और उसमें जितनी भी हमारे यहाँ एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, सर्ट इन वगैरह, उन सबकी मदद भी ली है ताकि डेटा हमारा सुरक्षित रहे और उसमें कोई भी सेंध ना लगा सके. दैट वॉज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. दूसरा, हम लोगों ने फिर क्या किया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आमंत्रित करके उनके साथ विचार विमर्श की श्रृंखला शुरू की और उनसे ये कमिटमेंट लिए हैं कि इलेक्शन के दौरान किसी भी तरह से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कोई भी दुरुपयोग ना हो सके. और विशेष रूप से जो अंतिम 48 घंटे होते हैं कंक्लूजन ऑफ पोल के पहले, जिसमें कि साइलेंस पीरियड होता है कि वोटर बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना मन बना सके कि किसको वोट देना है, उस दौरान तो कोई भी इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वोटर तक ना पहुंचे. इस सब के बारे में चर्चा की गई, उनसे कमिटमेंट लिए गए हैं और उम्मीद है कि इन सबको हम पायलट करेंगे अगले 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में, और उसकी लर्निंग के आधार पर वहाँ जो कुछ भी कमियाँ दिखेंगी इन सब चीज़ों में उनको भी ओवरकम करने के लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे इन प्लेटफॉर्म्स के मैनेजर्स के साथ बैठ के, ताकि जो हमारा लोकसभा का चुनाव है 2019 में उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो. जी, तो क्या आयोग अपनी तरफ से कोई सर्वेलेंस या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी सेटअप करेगा जिससे आप सब पर नज़र रखेंगे कि कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है या कौन सा उम्मीदवार क्या कर रहा है? जिस तरह से कुछ साल पहले आयोग ने वीडियोग्राफी शुरू करवाई थी चुनावों में बहुत सारे चीज़ों का दुरुपयोग रोकने के लिए, और वो बहुत सफल रही. हम लोग वेबकास्टिंग भी करते हैं, पोलिंग स्टेशन की पूरी कार्रवाई का वेब कैमरा के जरिए कमीशन में डीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, आरओ के यहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ कैसा पोलिंग हो रही है, क्या घटित हो रहा है, किस तरह से क्यू लगी हुई है. तो वेबकास्टिंग भी करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो कई इसकी जो है वो कई स्क्रीन्स पर सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मॉनिटर करके हर 2 घंटे पर कमीशन को बताता है. इसके साथ साथ कंप्लेंट मैकेनिज्म भी हमारा बहुत चुस्त दुरुस्त रहता है कि अगर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गतिविधि की कोई भी हमारे पास कंप्लेंट आती है तो उस पर भी बहुत तेज़ी से कार्रवाई होती है और उस पर भी एक्शन लिया जाता है. जी, ऐसी भी जानकारी मिली कि आप एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ई नेत्र जिसको कह रहे हैं, जिससे कि किसी के लिए भी बहुत आसान होगा अपनी शिकायत आप तक पहुंचाना, उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? ये एप्लीकेशन अभी सी विजिल के नाम से गूगल ऐप स्टोर में उपलब्ध है और निःशुल्क मिल जाता है. इसमें सिर्फ ये है कि अभी आपको बीटा वर्जन मिलेगा, जब कहीं इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो उस एरिया में ये काम करने लगेगा. तो इसका मतलब है सिटीजन विजिलेंस.
क्या होता है कि हमारा एनफोर्समेंट मशीनरी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन करती है, लेकिन ये अनुभव किया गया कि बहुत जगह गलत शिकायत या बेसलेस शिकायत आकर वो वहाँ पर चले जाते हैं और जहाँ से वो जाते हैं वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए कमीशन ने ये सोचा कि इसमें वीडियो या फोटो जो भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखेगा, जब भी वो इसको वीडियो या फोटो हमें सबमिट करेगा तो एविडेंस के साथ शिकायत हमारे पास आ जाएगी। इसमें कई चेक्स रखे गए हैं कि जिस जगह आप वीडियो बनाते हैं या फोटो बनाते हैं उसी जगह से आपको ये करना होगा, ताकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर कंस्टिट्यूएंसी, रिटर्निंग ऑफिसर, डीईओ, सीओ ये आइडेंटिफाई हो जाए और वो फोटो या वीडियो के साथ जो भी आपकी शिकायत है वो उन्हीं के इनबॉक्स में जाए। दूसरा इसमें यह है कि अगर आप बहुत शक्तिशाली आदमी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो आपको ये सुविधा है कि आप अपना मोबाइल फोन नंबर और अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकें। उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है कि अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक कर दीजिए तो आपका मोबाइल नंबर और ये नहीं आएगा। ये मुझे लगता है बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि इसका जो पायलट वर्जन है वो बेंगलोर में कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलोर शहर में यूज़ किया गया था। उसके करीब 800 डाउनलोड हुए थे और उसका काफ़ी प्रभावी उपयोग लोगों ने किया। लोगों को ये डर रहता है, जब आपने सही ये बात पकड़ी कि उन्हें डर होता है कि किसी बहुत ताकतवर आदमी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं हम ना फंस जाएं, तो उनको आपने रास्ता दे दिया। जो लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं जिसमें उन्हें चिंता नहीं है उनको अपडेट भी मिल जाएगा। तो एक तरह से आपने एक बहुत बड़ा अपना सिटीजन जासूस नेटवर्क इलेक्शन कमीशन की तरफ से खड़ा कर दिया है जिससे लोग इसमें शिकायत कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरी शिकायत जो पार्टियों की तरफ से आ रही है, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां खास तौर पर बार बार चुनाव जीतने या हारने के बाद भी ये मांग कर रही हैं कि साहब ईवीएम से उनको तकलीफ है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। मैं देख रहा हूं कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद हमारे वोटर को इतना ज़्यादा विश्वास इस प्रणाली में हो गया है कि उसे किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि ये इस प्रणाली बहुत अच्छी है और इससे उसे वोट कहाँ जा रहा है, जहाँ उसने दिया वहीं जा रहा है कि नहीं। और उसकी गिनती करके उसे ये विश्वास भी हो रहा है कि जिस तरह से वोट डाला गया है उसी तरह से काउंटिंग में रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये हमारा अवेयरनेस कैंपेन जो है बहुत काफ़ी तेज़ी से 4 पोल गोइंग स्टेट्स में चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये पूरे देश में चलेगा लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में। इसके परिणाम मैंने कर्नाटक चुनाव में देखे थे कि आर्ट गैलरी में, मॉल में, पार्क में, जुडिशरी कोर्ट में, जगह जगह रख के इसकी अवेयरनेस के बारे में कार्रवाई की गई, लोगों से वोट डलवाए गए, उन्हीं से काउंट करवाए गए और उन्हें बताया गया कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक काउंट, स्लिप काउंट ये सब मैच कर रहा है। मुझे ये लगता है कि इसके बारे में अविश्वास करने का कोई कारण अगर वो बताते हैं कि साहब इसमें ये दिक्कत है, ये ग्लिशेज हैं, तो वो उसका एड्रेस करना इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी समझता है, क्योंकि हमारे मुख्य स्टेक होल्डर सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर उन्हें किसी भी इस तरह का संदेह है और उनका संदेह वाकई किसी कारण पर आधारित है तो उसे कमीशन पूरी तरह से एड्रेस करेगा। नहीं तो अगर सिर्फ इस वजह से कि ये हमें पसंद नहीं दूसरा कुछ किया जाए और वो भी रेट्रोगेट की मतलब पुराने समय का चीज़ लाया जाए जिसमें इतनी बुराइयाँ थीं कि ऑन एन एवरेज एक कंस्टिट्यूंसी में लगभग 2000 वोट इनवैलिड होते थे क्योंकि वो इधर उधर मोहर लग जाती थी या गलत मोड़ देते थे, तो जबकि कई कॉन्स्टिट्यूंसी में विक्ट्री मार्जिन 2000 से कम होता था। तो इससे ये भी लोगों में संदेह होता था कि साहब ज़्यादा इनवैलिड करके उसको ज़बरदस्ती जिताया गया है। बूथ कैप्चरिंग की इतनी घटनाएं होती थी कि कभी भी कोई भी आके बूथ कैप्चर कर लेता था, 15-20 मिनट में वो सारे वोट स्टैम्प करके डाल देता था और चुनाव का परिणाम बिल्कुल दूसरा हो जाता था। तो इन सब बुराइयों से दूर होके ईवीएम ने काफी कुछ सुधार लाया है। अभी आप 27 तारीख को आपने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई हुई है, क्या विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी आपको लगता है कि आप इस तरह का जो डेमो दिखाते हैं इससे वो विश्वास हासिल कर लेगा ईवीएम, या कोई संभावना है कि आप बैलेट पेपर वाली मांग पर विचार करेंगे? हमेशा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और इस बार भी किया जाएगा। बाकी विचार करने की बात मैंने पहले ही आपको कही कि अगर उनके संदेह का कोई वाजिब कारण दिखता है कि साहब इसमें ये कमी है, इसमें ये गलती है, इस तरह से ये मैनिपुलेट हो सकती है, अगर वो दिखता है तो पहले तो उसे एड्रेस करके उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया जाएगा। अगर कन्विंस नहीं कर पाए या उनका कारण वैलिड पाया गया तो जो भी उनको विश्वास दिलाने के लिए आवश्यक होगा कमीशन बिल्कुल करेगा।
ये जो NRC की लिस्ट बनी है खासतौर पर असम में, उसमें 40 लाख लोग ऐसे हैं जो उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये लोग चुनाव की लिस्ट से, इनको वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जाए, इसलिए NRC का ये एक्सरसाइज हुआ है। क्या NRC की लिस्ट में शामिल लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसीजर है? ये ऑटोमेटिक नहीं है। एक तो अभी ये NRC का ड्राफ्ट है तो फाइनल नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली इसमें नाम ना होने की वजह से किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। दूसरे, ये इस पर्पस से नहीं बनाया गया NRC। NRC माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में, उनके निर्देशन में तैयार किया गया है ताकि हमारे देश के नागरिकों की पहचान हो सके और जो बाहर से लोग आए हैं उनके बारे में अलग से कार्रवाई की जा सके। इसकी पूरी प्रक्रिया बनाई गई है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, सिटीजनशिप ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और ये सतत प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही थी। वहाँ स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं NRC के और अभी वो सबको इंडिविजुअली कारण बताएंगे कि उनका नाम ड्राफ्ट में क्यों नहीं है, फिर उनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको कहेगा SOP बनाकर उस तरह से SOP फॉलो किया जाएगा और बाद में ये अंतिम प्रकाशन करेंगे। उस समय जरूर ये स्थिति बनेगी कि जो हमारे ERO हैं, इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन करते हैं। उस समय वो जब सिटीजनशिप का प्रूफ लेंगे, क्योंकि 3 क्राइटेरिया होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, आप इंडियन सिटीजन हो, आप उस साल के 1 जनवरी को 18 साल से ऊपर हो और आप वहां पर ऑर्डिनरी सिटीजन हो, मतलब ऑर्डिनरीली रहने वाले सिटीजन हो, तो ये तीनों प्रूफ उनको लेने होते हैं और उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं कि इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या ना किया जाए। तो उसके अनुसार ही काम होगा। अगर NRC के फाइनल ड्राफ्ट तब तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमारे ERO की प्रक्रिया वही चलेगी कि उनके प्रूफ देखकर वो अपना निर्णय स्वतः ले लें, क्योंकि हमें पब्लिकेशन करना है 4 जनवरी 2019 को लोकसभा की वोटर सूची तैयार करने के लिए, तो हमारा काम बिल्कुल निर्बाध रूप से चलेगा और 4 जनवरी को हम प्रकाशन करेंगे। जी, बहुत सारी सेवाओं में भारत सरकार ने आधार का इस्तेमाल किया है ये पहचानने के लिए कि जिस आदमी को सेवा मिल रही है वो सही है या नहीं। क्या चुनाव आयोग भी आधार का इस्तेमाल करने की सोच रहा है, इसकी तैयारी है? चुनाव आयोग ने ये सोच लिया था 2015 में ही, और 2015 में ही हम लोगों ने आधार सीडिंग का कार्यक्रम चालू किया था और लगभग 30 करोड़ वोटर्स का आधार हमको मिल भी गया था जो हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन उसी बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आ जाने से वो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने रोक दी थी। अभी प्राइवेसी से संबंधित जो निर्णय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है, लेकिन जो आवेदन है आधार के उपयोग के संबंध में उन पर अभी फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। वो फैसला जब भी आएगा, अगर उसमें इलेक्शन कमीशन के आवेदन पर हमें अनुमति मिलती है कि हम आधार को इससे लिंक करने का काम जारी रख सकते हैं, तो आयोग बिल्कुल करेगा। जी, एक चर्चा और है जोरों पर कि कुछ समय से पहले चुनाव हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हो रही है वो एक देश एक चुनाव। क्या एक देश एक चुनाव हो सकता है? बहुत तभी हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स विषय हो, लेकिन क्या आप एक साल में एक चुनाव हो ऐसी किसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से बता दूं कि पहले 4 चुनाव जो हमारे देश में हुए हैं 52 से शुरू करके 67 तक, वो एक साथ चुनाव हुए हैं लोकसभा और विधानसभा के पूरे देश में। इसलिए ये कहना कि कोई कठिनाई होगी एक साथ चुनाव कराने में, ऐसा नहीं है, वो चुनाव एक साथ हो सकते हैं, होते रहे हैं। दूसरी चीज जो है, आपने कहा कि अभी जो बात चल रही है उसके संदर्भ में इलेक्शन कमीशन से सुझाव मांगे गए थे 2015 में, तब कमीशन ने सुझाव दिए थे कि अभी हमें जो आउट ऑफ सिंक चुनाव हो गए विधानसभाओं के लोकसभा के साथ, उनको सिंक में लाने के लिए क्या क्या संविधान में संशोधन जरूरी हैं, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन जरूरी हैं, और अगर ये संशोधन हो जाते हैं तो क्या क्या लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट हमें चाहिए होंगे, जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT कितने और ज़्यादा चाहिए होंगे, दूसरा हमें कितने पोलिंग पर्सनल्स ज़्यादा लगेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था करनी होगी, और कितनी हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए लगेगी वो भी हमें देखना होगा और उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। इस पर से बहस चल रही है, लॉ कमीशन भी एग्जामिन कर रहा है, नीति आयोग ने भी इस पर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पेपर अपनी वेबसाइट पर डाला है, लेकिन अभी इसमें कोई कानून या संविधान में संशोधन नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी सुझाव दिया था जो आपने कहा है
कि जब तक ये कानून में इस तरह के संशोधन नहीं हो पाते हैं या इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो इस पर भी विचार किया जा सकता है कि एक साल में जितने भी चुनाव ड्यू हैं वो सारे एक साथ एक विंडो में करा लिए जाएं ताकि बाकी पूरा साल जो है वो खाली रहे और उस पर एमसीसी लागू ना हो और उसमें सरकारें अपने प्रशासनिक काम पर फोकस कर सकें। ये सुझाव भी कमीशन ने उस समय दिया था। अब जैसे आपने देखा होगा इसी वर्ष 2018 में पहले तीन राज्यों के चुनाव हुए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, फिर एक राज्य कर्नाटक का चुनाव हुआ, अब चार राज्यों के चुनाव आ गए हैं, तो पूरा साल चुनावों से भरा हुआ रहा। इसमें कमीशन भी पूरी तरह से व्यस्त रहा और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी प्रभाव होता है वो पड़ा। हमने जो अभी बात की उसमें आपने दो हमको चुनौतियां बताई, एक मनी और दूसरा मीडिया। मीडिया पर हमने बात कर ली। मनी का जहां तक सवाल है, एक जो बड़ी चुनौती आती है वो राजनीतिक दलों की फंडिंग में, चुनाव की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठता है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन क्या इससे वो ट्रांसपेरेंसी की समस्या दूर हो जाती है? इलेक्टोरल बॉन्ड जब फाइनेंस बिल 2017 में सामने आया था तब कमीशन ने उन पर पूरी तरह से विचार करके अपनी चिंताओं से लॉ मिनिस्ट्री को अवगत कराया था। उसमें कई तरह की चिंताएं बताई गई थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव होगा, इसमें कंपनीज पे जो ये बंदिश थी कि आप अपने तीन साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% तक ही डोनेट कर सकते हैं वो अमेंड कर दिया गया है, तो अब कोई भी कंपनी जो घाटे में जा रही है या ख़त्म ही हो रही है वो भी डोनेट कर सकेगी। तीसरी चीज़, इसमें आइडेंटिटी नहीं पता होगी किसने लिया, किस तरह से दिया, ये सब चीज़ उसमें ओपेसिटी होने की बात कही गई थी। तो ये सारी चिंताएं इलेक्शन कमीशन ने 2017 में ही लॉ मिनिस्ट्री को अवगत कराई थी। उस पर से उनका ये रिस्पॉन्स था कि साहब अभी तो सिर्फ फाइनेंस बिल एक इनेबलिंग प्रोविजन के रूप में बनाया गया है, अभी इसकी स्कीम नहीं बनी है ना इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ये प्रीमेच्योर कहेंगे इसको कि प्रीमेच्योर है। तो इसीलिए कमीशन ने फिर फैसला किया कि ठीक है हम इंतज़ार करते हैं कि इसकी स्कीम बन जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, हमें कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट मिल जाए, हमें ऑडिटेड अकाउंट पार्टीज के मिल जाए, उसके बाद हम तय करेंगे कि कितनी ट्रांसपेरेंसी बची हुई है और कितनी ओपेसिटी बढ़ गई है या कितनी हमारी जो इलेक्शन कमीशन की चिंताएं हैं वो एड्रेस हुई हैं, कितनी चिंताएं अभी भी बची हुई हैं। तो ये सब चीज़ जो है अब हो गई है, 2 जनवरी 2018 को स्कीम अनाउंस हो गई, नोटिफाई हो गई, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया 1 मार्च से 10 मार्च, फिर अप्रैल, फिर अभी एक तीसरी ट्रांशी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की इशू हो गई। एक दो लोकसभा प्रश्नों के माध्यम से ये भी पता लग गया कि कितने राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। अब कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट आने का समय भी आ गया है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स और ऑडिटेड अकाउंट भी इलेक्शन कमीशन को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग इस पर स्थिति में होंगे कि अब उस पर कॉम्प्रिहेंसिवली फिर से एक बार रिविजिट करके ये बता सकेंगे सरकार को, लॉ मिनिस्ट्री को, कि हम लोगों के कंसर्न्स किस सीमा तक एड्रेस हुए हैं इस पूरी व्यवस्था में और किस सीमा तक एड्रेस नहीं हो पाए हैं, और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए क्या क्या और करना जरूरी है ये अवगत कराएंगे। जी तो राव साहब, क्या एक टाइमलाइन दे पाएंगे कितने समय में इलेक्शन कमीशन इस पर विचार करके सरकार को ये चिंताओं से या आश्वस्ति से अवगत करा देगा? अगले महीने तक पूरी व्यवस्था, ये जानकारी हो जाएगी तो अगले महीने तक विचार करके इसको अवगत करा देंगे। जी अच्छा, आम वोटर की तरफ से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ बैलेट पेपर और ईवीएम वाले मसले पर। ईवीएम को लेकर एक चिंता ये होती है, और ये कार्यकर्ता लेवल पे, छोटे कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ये चिंता ज़्यादा उठाते हैं कि पहले जब बूथ होते थे उनमें बैलेट पेपर में वो सारे बक्से खोल कर उसके बाद उन वोट्स को मिलाया जाता था, टेबल पर रख के हिला दिया जाता था, तो कौन सा वोट कहां से आया पता नहीं चलता। अब जब एक एक मशीन खुलती है तो वो मशीन किस बूथ की आई है खुल जाता है, तो खास तौर पे उन लोगों का जिनका आपने पहले जिक्र किया, जो शक्तिशाली दबंग लोग हैं, वो अगर ये हिसाब लगा लेते हैं कि किस मोहल्ले के किस बूथ से हमें वोट मिला या नहीं मिला, तो वहां के वोटरों के लिए तकलीफ हो सकती है। इसको टैकल करने का कोई तरीका है? इसको टैकल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक इनिशिएटिव लिया था, और हमारे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीएल हैं जो कि ईवीएम और वीवीपैट बनाते हैं, उनसे अनुरोध करके एक नई मशीन बनवाई थी, टोटलाइजर, जो
पूरे एक राउंड की ईवीएम की काउंटिंग के समय उनको अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो पूरे राउंड की सारी मशीनों का टोटल करके वो पूरा रिजल्ट दे देता है। इस मशीन के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग में भी प्रदर्शन किया गया, उनको भी बताया गया, लेकिन अभी तक सबकी राय ये रही कि साहब अभी हमें ये पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा बहुत जरूरी है ताकि हम क्षेत्रवार विकास के बारे में फोकस तरीके से सोच सकें। लेकिन अभी इसमें एक पीआईएल लग गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो विचार कर रहा है, उसमें जो भी निर्णय होगा, क्योंकि सब जुडिस होने से जो भी निर्णय होगा उसको कमीशन पालन करेगी, उसके अनुसार फिर कार्रवाई करेगी। जी रावत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों के लिए, साक्षात्कार में मुझसे बात की, और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इसे देख रहे हैं उन्हें चुनाव प्रक्रिया के बारे में, ईवीएम के बारे में बहुत सारी नई जानकारियां मिली और ये चुनाव के प्रति लोगों का भरोसा जगाने में बहुत मदद करेगी बातचीत। नमस्कार। जरूर, नमस्कार।